नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं लव यात्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसे प्रोड्यूस किया है हमारे अपने भाईजान यानी सलमान खान ने। और इस फिल्म में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा और उनके साथ है वारिना हुसैन। दोस्तों फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी सुपर हिट हो गया था। फिल्म के म्यूज़िक से तो लग रहा था कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी धमाकेदार ओपनिंग लेगी और फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब होगी। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी वजह ये लग रही थी इस फिल्म का कलेक्शन ज़्यादा होने की, क्योंकि इस फिल्म के साथ नाम जुड़ा हुआ है सलमान खान का। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस के किंग कहे जाते हैं, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हैं। तो दोस्तों जब उनकी फिल्में इतनी कमाती है तो उनके जीजा और उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म लव यात्री भी अच्छा कलेक्शन कर ही लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का इतना अच्छा प्रमोशन होने के बावजूद भी जहाँ आयुष शर्मा ने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए टीवी के हर छोटे बड़े शोज में जाकर इस फिल्म का प्रमोशन किया, उसके बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म को ओपनिंग नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह इस फिल्म से उम्मीद थी कि ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर लेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म के जो पहले दिन की कमाई है वो काफी निराशाजनक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिल्म ने अपने पहले दिन मात्र 4 करोड़ रुपए के आसपास का ग्रोस कलेक्शन किया। हालांकि दोस्तों फिल्म से जो कमाई आई है 4 करोड़, वो न्यू कमर के हिसाब से तो ठीक है कि अननोन हीरो है, अननोन हीरोइन है, लेकिन दोस्तों जब फिल्म के साथ सलमान खान का नाम जुड़ जाता है तो फिर लोगों को एक उम्मीद रहती है कि सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की मूवी है तो जरूर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी। अब दोस्तों बता दो, इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का कारोबार करना है। अगर यह फिल्म 55 करोड़ तक का कारोबार नहीं करती तो यह फिल्म फ्लॉप कहलाएगी। अब देखना यह है कि क्या यह फिल्म आने वाले दिनों में कलेक्शन कर पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म फ्लॉप होगी या हिट, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।